हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 2016 का जो इलेक्ट्रॉनिक्स 307 का पेपर है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का जो पेपर था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली ये जो पेपर आया था इसका जो टाइमिंग था वो आधा घंटे का था। इसमें 30 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन का वेटेज था जो आपका 1:1 था और टोटल 30 क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑप एम्प इज ए ऑप एम्प है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, हाई पुश पुल एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर और लो इम्पीडेंस एम्पलीफायर। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। देखिए, इसका जो आउटपुट होता है वह होता है आपका जो आउटपुट होता है वह आपका क्या होता है, दोनों का इनपुट का डिफरेंस। यहाँ पे V1 और V2 जो है आपका इनपुट है, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑप एम्प कैन बी यूज्ड विथ, ऑप एम्प में कौन से सिग्नल्स का उपयोग किया जा सकता है, एसी, केवल एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, एसी या डीसी दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो जो ऑप एम्प है उसमें दोनों सिग्नल को जो है हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज सी, दोनों ही सिग्नल को जो है अपन प्रोसेस कर सकते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो फॉर एन ऑप एम्प शुड बी, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है कितना होना चाहिए। तो ये हमारा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल। देखिए, ये सारी आइडियल करेक्टरिस्टिक है। जैसे कि किसी भी ऑप एम्प का जो है ओपन लूप गेन है वो हमारा कितना होना चाहिए, आइडियली इन्फेनाइट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा इनपुट इम्पिडेंस कितना होना चाहिए, वो भी इन्फिनिटी होना चाहिए। आउटपुट इम्पिडेंस कितना होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। ओपन लूप बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, इन्फेनाइट होनी चाहिए। ऑफसेट वोल्टेज कितना होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए। एंड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो दैट इज CMRR, ये कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। और स्लू रेट जो है हमारी इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वह होगा एज लार्ज एज पॉसिबल। सो राइट आंसर इज डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, वर्चुअल ग्राउंड इज ग्राउंड 4। ये जो एक्चुअली वर्चुअल ग्राउंड होता है, ये होता है हमारा फॉर करंट बट नॉट फॉर वोल्टेज। तो सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एन ऑप एम्प इज ऑलवेज, पहली स्टेज क्या होगी, कोई क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर या फिर डार्लिंगटन एम्पलीफायर। तो बेसिकली इसका इंटरनल डायग्राम जो है ऑप एम्प का इस तरीके से होता है, सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फिर इसके बाद में इसमें वोल्टेज एम्पलीफायर और लास्ट बीच में होता है लेवल शिफ्टर और फिर लास्ट में आपका आता है पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ पर पूछा है फर्स्ट स्टेज क्या है, तो फर्स्ट स्टेज यहाँ डायग्राम से क्लियर दिखाई दे रही है, दैट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सो आंसर इज सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, फिगर ऑफ मेरिट फॉर ऑप एम्प। तो फिगर ऑफ मेरिट ऑप एम्प के लिए क्या होता है, गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है आपका फिगर ऑफ मेरिट होता है। कई बुक्स में जो है इसके लिए जो आंसर दे रखा है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो भी इसकी फिगर ऑफ मेरिट है, बट ऑप्शन में नहीं है। दैट्स वाई आंसर, करेक्ट आंसर वुड बी द आपका गेन इनटू बैंडविड्थ जो है हमारा हाई होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 555 टाइमर इज क्या है, लीनियर, डिजिटल, बोथ लीनियर एंड डिजिटल और डी नन ऑफ दिस। तो देखिए, 555 टाइमर आईसी एक लीनियर आईसी है और जो 555 टाइमर आईसी है इसका आउटपुट जो है हम डायरेक्टली लेते हैं फ्लिप फ्लॉप से, जो कि 0 या 1 आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है डिजिटल है, तो इसलिए आंसर होगा हमारा सी, जो कि आपका बोथ, यानी कि बोथ लीनियर एंड आपका डिजिटल दोनों ही है हमारा 555 टाइमर आईसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 555 टाइमर आईसी की पिन नंबर 7 क्या होती है।
तो 555 टाइमर की सारी पिन के बारे में हम देख लेते हैं। तो बेसिकली पिन नंबर 1 होती है हमारा आपका सप्लाई वोल्टेज, फिर पिन नंबर 2 ट्रिगर, पिन नंबर 3 आपका आउटपुट, 4 होता है रीसेट, 5 होता है कंट्रोल, 6 होता है थ्रेशोल्ड, 7 होता है आपका डिस्चार्ज एंड 8 आपका सप्लाई वोल्टेज। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है 7 डिस्चार्ज। ठीक है, पिन नंबर 7 हमारी डिस्चार्ज होती है। अब बात करते हैं द आउटपुट पल्स विड्थ ऑफ आर इक्वल टू 10 किलो ओम एंड सी इक्वल टू 1 माइक्रो फेराड आर कनेक्टेड इन मोनो स्टेबल सर्किट। तो मोनो स्टेबल सर्किट की विड्थ का जो है हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट 1.1 इंटू आर इंटू सी। तो आर की वैल्यू दे रखी है 10 किलो ओम, तो हमने यहाँ पे प्लेस किया है 10 की 10 इंटू 10 की पावर 3। फिर यहाँ पर दे रखी है कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 माइक्रो फेराड, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 मिली सेकेंड। सो राइट आंसर इज ए 1.1 मिली सेकेंड। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज PLLIC होती है, कौन सी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। PLLIC होती है हमारी IC565, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है आपकी 0.1 हर्ट्ज से लेकर के 500 किलोहर्ट्ज तक। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर IC7912 इज यूज टू डिजाइन ए वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ ए आउटपुट वोल्टेज। देखिए यहाँ पर पूछा है कि 7912 जो IC है इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, +12 वोल्टेज, -12 वोल्टेज, या दोनों प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो बेसिकली जो 7912 IC है ये हमारी नेगेटिव वोल्टेज IC होती है, तो इसका जो आंसर होगा -12 होगा। 7-9 इसकी सीरीज है और 1279XX, XX दिखाता है कितना वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे कितना है, 12। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, -12, क्योंकि 7-9 सीरीज नेगेटिव के लिए होती है। अगर ये 7812 होता तो आउटपुट वोल्टेज होता +12, क्योंकि 7-8 सीरीज जो होती है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर होती है। सो करेक्ट आंसर इज 12, -12 सॉरी। ए डिकेड काउंटर हैच, जो डिकेड काउंटर होगा उसकी कितनी स्टेट होंगी, 10, 100, 1000 या फिर कोई भी नहीं। तो जो डिकेड काउंटर है उसमें 10 स्टेट होंगी, यानी डिकेड काउंटर का मतलब इटसेल्फ है कि उसके मोड, यानी कि जो उसमें स्टेट्स होंगी वो आपकी 10 होंगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है, उसकी ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर की ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी होगी 1/2 πRC, प्रोवाइडेड दैट कि उसका जो है लूप गेन जो है आपका या तो 3 या 3 से बड़ा हो, तब ये आपकी 1/2 πRC होगी। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द पावर सप्लाई ऑफ 741 इज, यहाँ पर ऑप्शन है +5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, -5 एंड -12, +12 एंड -12। बेसिकली ये जो IC है इसका जो वोल्टेज है वो हमारा वेरी करता है एक पर्टिकुलर रेंज में। तो यहाँ पर हमने डेटा शीट उठाई है LM741 के लिए, LM सीरीज के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है LM741 और LM741A के लिए मैक्सिमम वोल्टेज +22, 10 से लेकर के +22, और जो 741C सीरीज के लिए प्लस माइनस आपका 18 वोल्ट है, और ये मिनिमम जो है इसका 10 होता है। तो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल आंसर जो होगा वो होगा आपका +12 से लेकर के -12। नाउ नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट। सबसे ज्यादा घनत्व वाली जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वह कौन सी होगी? SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेरी लार्ज स्केल, क्योंकि SSI में अप टू 100 ट्रांजिस्टर होते हैं, MSI में कितने होंगे, 500 ट्रांजिस्टर के अप्रोक्सीमेट होते हैं, LSI में अप टू 10,000 और VLSI में मोर देन 10,000। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी हुई, VLSI की होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100।
VLSI, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं रेगुलेटर आईसी रिक्वायर्ड टू डिजाइन माइनस 5 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज माइनस 5 वोल्ट के लिए। देखिए माइनस के लिए सबसे पहले कौन सा यूज होगा, 79 सीरीज यूज होगा, और 5 है तो 05, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी कोडिंग किस तरीके से की जाती है, 79XX और 78XX। तो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन के लिए 7905, सो करेक्ट आंसर इज 7905। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ऑपम हैविंग ए कॉमन मोड गेन 1 dB एंड डिफरेंशियल गेन 100 dB। देखिए कॉमन मोड गेन दिया हुआ है 1 dB और डिफरेंशियल गेन दिया हुआ है 100 dB। देखिए यहाँ पर ये dB में दिया हुआ है और CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पूछा है, तो जब भी dB में दिया होगा तो इसका फॉर्मूला होगा आपका डिफरेंशियल गेन इन dB माइनस कॉमन मोड गेन इन dB, और अगर साधारण दिया हुआ है CMRR तो वो होगा डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाई कॉमन मोड गेन यानी AD/AC। तो सिंपली आंसर होगा 100 - 1, दैट इज आंसर कितना होगा आपका 99, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या होगा? लो पास फिल्टर वह फिल्टर होगा जो लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। तो कौन सा आंसर इसके लिए बेस्ट सुटेबल होगा? यहां पर पासेस द लो फ्रिक्वेंसी, ब्लॉक द लो फ्रिक्वेंसी, पासेस द हाई फ्रिक्वेंसी, नन ऑफ द अबव। तो पासेस द लो फ्रिक्वेंसी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिवाइडर इनसाइड द 555 टाइमर आईसी कंसिस्ट ऑफ, कितने रेजिस्टेंस कंसिस्ट करता है 555 टाइमर अंदर? तो 555 टाइमर के नाम से ही ये इटसेल्फ आंसर इसी में ही छुपा हुआ है क्वेश्चन में ही, कि 3-5 किलो ओम के, 5-5 किलो ओम के तीन रजिस्टर्स लगे होते हैं, इसीलिए इसको 555 टाइमर आईसी कहते हैं। तो इसमें तीन रजिस्टर लगे होते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के तौर पे, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 3, ठीक है, इसीलिए इसको 555 टाइमर आईसी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कौन सी स्टेट स्टेबल होगी? बोथ स्टेट आर स्टेबल, वन स्टेबल और वन अनस्टेबल, बोथ स्टेट आर स्टेबल। देखिए दोनों स्टेट या तो अनस्टेबल होगी, एक स्टेबल या अनस्टेबल, ऑप्शन सी इज बोथ आर स्टेबल। तो बाई स्टेबल, बाई स्टेबल नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, बाई स्टेबल यानी कि दोनों स्टेट स्टेबल होगी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बोथ स्टेट आर स्टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटपुट ऑफ ए इंटीग्रेटर फॉर ए स्क्वायर वेव इनपुट सिग्नल, देखिए स्क्वायर वेव अपन एक इंटीग्रेटर में दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? बेसिकली अगर स्क्वायर वेव इनपुट में देंगे तो स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन क्या होगा? ट्रायंगुलर वेव होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, ट्रायंगुलर वेव आपका आंसर होगा। तो स्क्वायर वेव अगर इनपुट देंगे इंटीग्रेटर में तो हमें आपका आउटपुट मिलेगा ट्रायंगुलर वेव। फॉर एन एनालिसिस ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर वी कैन यूज फॉलोइंग मॉडल। देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो कि ऑपएम्प के फर्स्ट ब्लॉक होता है, फर्स्ट इनपुट होता है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए आप कोई सा भी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, एच पैरामीटर मॉडल, हाइब्रिड पाई मॉडल, स्मॉल सिग्नल FET मॉडल, टी मॉडल, आई मॉडल, तो कोई सा भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ द 741 हैज बिकम मोस्ट वाइडली यूज, क्यों? क्योंकि इसका हाई गेन होता है, लो हैज लोअर आउटपुट इम्पिडेंस होता है, एंड एक्सपेंसिव, इट्स इज ए इन एक्सपेंसिव एंड ईजी टू यूज। तो देखिए इसके चारों तीनों ही रीजन सही है। देखिए किसी भी 741 जो है उसका वोल्टेज गेन हाई होता है, साथ ही साथ इसका लोअर आउटपुट इम्पिडेंस होता है, और ये सस्ता होता है और ईजी टू यूज होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। PLLIC कैन बी यूज फॉर AM डिटेक्शन, FM डिटेक्शन, फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसका यूज
फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर डिवीजन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में, एएम डिटेक्शन में, एफएम डिटेक्टर में, एफएस की डीमोडुलेशन में, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन में, फेज शिफ्टर में, एटसेट्रा, इन सारी एप्लीकेशनों में इसका यूज हो सकता है। तो तीनों ऑप्शंस इन सारी एप्लीकेशंस में आपका आता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए पी एल एल द लॉक रेंज इज यूजुअली इक्वल, ग्रेटर, स्मॉलर, बोथ ए एंड सी इक्वल और स्मॉलर और देन कैप्चर रेंज। तो देखिए, हमको पता है कि जो लॉक रेंज होती है वो हमेशा या तो बराबर होगी या इससे बड़ी होगी कैप्चर रेंज से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर देखिए, लॉक रेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द कैप्चर रेंज। तो बेस्ट सुटेबल आंसर इसका यहां पर होगा आपका ग्रेटर। अगर ए और बी ऑप्शन होता तो बोथ ए और बी इसके लिए सही होता, बट यहां पर बेस्ट सुटेबल आंसर होगा आपका ग्रेटर। तो यूजुअली ये ग्रेटर होती है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी हैज पिन। तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 723 है, इसमें जो है हमारी 14 पिन होती है, 14 पिन की आईसी है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। वीसीओ, वीसीओ स्टैंड्स फॉर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। तो इसका यूज पीएलएल में किया जाता है, तो बेसिकली इसका सही आंसर होगा वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। माई अपोलॉजी, द करेक्ट आंसर इज बी फॉर दिस, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी ओपेम आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए 3 बिट फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए जो नंबर ऑफ ओपेम या कंपरेटर रिक्वायर होंगे वो होंगे 2 की पावर n-1। तो 3 है तो 2 की पावर 3 -1। 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 -1, 7। 7 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल ऑफ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर डिजाइन फॉर 555 टाइमर आईसी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका डायरेक्टली ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1.44 upon Ra + 2 Rb × C। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एन आइडियल ऑप एम्प हैज ए गेन इनपुट इम्पिडेंस एंड आउटपुट इम्पिडेंस रेस्पेक्टिवली। तो जो सीरीज है आइडियल ऑप एम्प के लिए, इसने पूछा है गेन, तो गेन कितना होना चाहिए आपका, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर इसके बाद में इसने पूछा है इनपुट इम्पिडेंस कितना होना चाहिए, तो वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए, और आउटपुट इम्पिडेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर टी होगा, यानी कि टी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।